जय हिंद दोस्तों, फ्रॉम आसाम होमगार्ड। की खबर आपन लोगों? खबर निश्चय भल और मोर भल बार मजते चलि आसे। थंबनेल देखि आपन लगे निश्चय गम पाइसे होय इया बर्तमान कि होइसे आगत के माने इटिया बेसी कोइ कि होइसे आमार बाइक बिलाक चलाले हेलमेट बिलाक नलगाय, बहुत मानुय नलगाय। तो तेतिया कि करे पुलिसे धरे बा फाइन काटे चालान काटे। तो ताते कि होय आमार गृहरक्षी जवान बिलाकु शामिल थाके। तो तारे ऊपर मैं एटा माने ए भिडिओटो आपन लोगों आगले मैं दांगी धरिलो। कियनो বহুতরে প্রশ্ন যে আমার গৃহরক্ষী জন সকলে জানো গাড়ি চালান কাটিব পায় জানো বা গাড়ি ধরব পায় জানো, হেলমেট কেউ পিঁধা নাই বা সিট বেল্ট কেউ লোক নাই, বহুত কিছু ক্ষেত্র যে আমার হোমগার্ডে পায় জানো বা সিনিয়র অফিসার না থাকলে আমি চেকিং করব পারো জানো বা এইবিল চালান কাটিব পারো জানো। তো ইয়ার বহুতরে প্রশ্ন। তো ইয়ার ক্ষেত্রে কি হল, আমার এজন গৃহরক্ষী জন সুমিত কুমার তখন হরিয়ানার ঘর যেহেতু আমার ন্যাশনাল গ্রুপের এডেড হয়ে আছে। আর তখেতে তার মানে কি হল, তখন যে ডিউটি আসলে রাস্তার ডিউটি থাকতে তখেতে মানে গাড়ির হেলমেট নধরা আর কিবা কিবি সিট বেল্ট কিবা কিবি আর তিনজন উঠোয়াক লো মানে কিবা কথা পাতি থাকতে তেনকাতে নিউজ লাইভ বা এনেকা তেনকা রিপোর্টারবিলাকে পাই গল। আর রিপোর্টারবিলাকে পয়ার পিছত কি করলে তখেক বহুত কিবা কিবি প্রশ্ন সুদিবলে ধরলে যে আপনি বিনা অফিসার মানে সিনিয়র অফিসার নথকাকে আপনি কেনক তো চালান কাটিছে বা কি চালান কাটিছে নাকি বা কি করেছে। তো সুমিত কুমারে কি কলে গোটে কথাখিনি মানে আপনাদের ভিডিও যোগেদি দেখার বলে চেষ্টা করি। আপনাদের ভিডিওটা অকনো স্কিপ নকরকে শেষলকে চাই থাকবে। আর চ্যানেলটলে যদি নতুনক আসছে সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিও যান পায় শেয়ার করে দিব। তো বলো দেনকু আজি ভিডিও আমি আরম্ভ করো। হ্যালো हेलो सर जी, सर जी रुकिए रुकिए रुकिए, आप किस अधिकार के साथ इनको रुकवा रहे हो? हम सर पन्नी को जागरूक कर रहे हो, आपका कोई चलान नहीं कर रहे सर। हम पन्नी को रोड सेफ्टी के तहत समझा रहे हैं और इसमें जो भी जैसे भी आप ये कि अपनी सेफ्टी हो, ट्रिपल सवारी है, विदाउट हेलमेट है, रॉन्ग पार्किंग है और ये तेज ओवर स्पीड है, इनको समझा जागरूक करने के लिए पन्नी को हम इसके तहत ड्यूटी कर रहे हैं। हम बढ़िया सरकार के आदेश के अनुसार हम इसको बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं सर। तो आप सर हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे सर? आपने हेलमेट आप स्पीड आपको सेफ्टी है सर? एक मिनट इन्होंने ना अच्छा क्या बोला इन्होंने आपको? भैया क्या हमने सावधान रहो बस। अच्छा तो आप बिल्कुल ठीक है सर जी, नमस्कार जी। क्या लग रहा है आपको, ये जो हमारे का जवान है कोई नजायज चलान तो नहीं कर रहा किसी के? ना नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हेलमेट जो नहीं लगा कहेंगे उनके लिए तो फौज जरिए है, बिल्कुल सुविधा के लिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल सर जी, बहुत जरूरी है जनता के लिए, बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है जी, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। ये देखिए जी, हमने तो यहाँ पे देखा तो ये क्योंकि जो होमगार्ड का जवान है लोगों को रोक रहा था, तो हमने जानने का प्रयास किया कि कोई सीनियर अधिकारी या आसपास में मौजूद नहीं है तो ये कैसे चालान काट सकता है? ऐसे है सर जी, इनका अधिकार है, बगैर हेलमेट के कोई भी आता है तो इनको अथॉरिटी है कि भी इनको रोका जाए। नहीं देखिए, आपको भी अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार सब सेक्शन क्रॉस 132A(1) के तहत कोई भी सब इंस्पेक्टर से कम पदवी का अधिकारी किसी भी मोटर व्हीकल को नहीं रोक सकता, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है सर जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। शुभ नाम मेरा सुमित कुमार है सर। अच्छा हाँ, घर से हूँ सर, बेल्ट नंबर 331 और भिवानी का हूँ सर, गाँव में था गढ़ है सर मेरा। तो आप मतलब लोगों को जागरूक करने का काम? हाँ, जागरूक करने चलान काट रहे हो? नहीं नहीं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को समझाने कि अपने रोड सेफ्टी ताकि अपने सेफ्टी खुद मना सकें लोग, जैसे ट्रिपल राइडिंग है, ओवर स्पीड है और विदाउट हेलमेट है, जो भी है नंबर प्लेट है उसके लिए जागरूक कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, रोड के ऊपर तो जागरूकता से ही चलना चाहिए, क्या पता क्या अच्छा हो। हाँ सर, इसका कोई जैसे गलत हो जाए क्या पता, तो अपने सेफ्टी हमारी सर जिम्मेवारी मनती है, तो उसके लिए हम 24 घंटे ड्यूटी पर तपर रहते हैं। जैसे अब हमारे दिवाली पर लगाए गए नाके, उनमें भी जाम नाम मने बाजार के अंदर, तो उसके लिए नाके लगाए गए थे सरकार प्रशासन द्वारा, तो हमने उसमें ड्यूटी तपर की। दिवाली दोनों दिवाली वाले दिन में ड्यूटियों से सम्मानित किया गया, नगर परिषद द्वारा मार्केट कमेटी के दो दिन लगातार मैं सम्मानित किया गया, बढ़िया ड्यूटी और मेरे को प्रशंसा पत्र दी गई। ओके, देखिए हमारा तो सिर्फ उद्देश्य यही था कि हमने यहाँ पर रोड पर चलते हुए देखा कि
एक होमगार्ड का जवान भाई चलान तो नहीं काट सकता, क्योंकि आपका कोई भी सीनियर अधिकारी आपके पास नहीं था, तो हमने ये जानना उचित समझा कि आप मतलब वही किसी पब्लिक को परेशान तो नहीं कर रहे हो। ना सर, मैं जागरूक कर रहा हूँ, पब्लिक को समझा रहा हूँ इनके रोड सेफ्टी के बारे में, इनको जागरूक करने के लिए पब्लिक को अपने ड्यूटी कर रहा हूँ। नेहरू आप बढ़िया ड्यूटी कर रहा हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही लगे रहिए। और कोई आपकी समस्या? सरकार से सर हमारी तीन डिमांड। क्या डिमांड है आपकी? आपकी भी डिमांड है? हाँ सर, हमारी रोजगार है, जैसे नियमितीकरण हमारी 365 दिन का रोजगार और नियमितीकरण की जाए, जैसे कि हमारे 58 साल पर रिटायरमेंट होते हैं तो हमको सरकार से कुछ नहीं मिलता, और डिपार्टमेंट हैं 1-1, 2-2 लाख सरकार ने अभी किए हैं रिटायरमेंट पे, और हमको कुछ नहीं दिया। जैसे सरकार का जो पेपर दान मनता उसके लिए हम 15 या 20 लाख रुपये हमसे सीएम साहब से और गृह मंत्री से सामने हमारी समस्या रखी जाए, और सरकारी काम के लिए जैसे हम कोई भी सरकारी काम जाते हैं अफसरों के, उनमें जैसे कि कोई भी डाक ले के जानी या कुछ भी सरकारी काम से संबंधित हमारी बस में कुछ बस मान्य नहीं है, तो उनके लिए भी हमको मान्य किया जाए सरकारी बसों में। लिखित में अपने सीनियर अधिकारी को दीजिए सर। दी गई है, कई बार दी हमने सीएम साहब ने। आपकी अकेले की डिमांड है, पूरे होमगार्ड हमारे हरियाणा गृह रक्षक के सर 14,025 जवान है, जिसमें कि 9,000 इसमें 9 ऑर्डर ड्यूटी आए कर रहे हैं, 3,000 और हमारी डिमांड है कि अरे पूरे हरियाणा में 3,000 और ड्यूटी बढ़ा दी जाए, तो हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে যে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানজন কিমান সহজ সৰল, কিমান ধুনীয়াকৈ কৈছে তেখেতে, আৰু চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়ে তেখেতে ধুনীয়াকৈ কৈছে, আৰু ডিউটি তেখেতে একচুৱেলি কৰিছে যদিনো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চালান তালান কাট নাই, তেখেতে মানুহক জাগৰূক কৰিছে যাতে এনেকুৱা নহওক। এনেকুৱা হ'বলৈ হ'লে মানে বহুত দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, যিহেতু হেলমেট নিপিন্ধিলে এক্সিডেণ্ট হ'লে মাথাত কষ্ট পাব পাৰি, বা বহুত ক্ষেত্ৰতে মানে তেখেতে জাগৰূক কৰিছে, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চালান কটা নাই। ভাল পাইছোঁ। সুমিত কুমাৰলৈ দিলছে চেলুট, আৰু সকলো গৃহৰক্ষী জনাৰ হৈ মোৰ ফালৰ পৰা দিলছে চেলুট। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, তো আজিলৈ জয় হিন্দ জয় ভাৰত, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাই বাই।